पंजाब नेशनल बैंक के महाघोटाले के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक में 737 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ है। यूको बैंक के पूर्व सीएमडी के ऊपर आरोप लगा है कि उसने आरोपियों के साथ मिलकर बैंक को अरबों रुपए का चूना लगाया है। भाजपा ने 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में ना कोई मुस्लिम और ना ही कोई ईसाई कैंडिडेट शामिल है। उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा को लखनऊ से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक 20 साल की लड़की से गैंगरेप की खबर सामने आई है। आरोप है कि दो लोगों ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाया और चलती कार में बलात्कार किया। भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लगातार तीसरे साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। देश को इस बार लंबी अवधि की औसत बारिश का 97% हासिल होगा। उन्नाव रेप केस में पीड़िता ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। सीबीआई कोर्ट से निकलते हुए पीड़िता ने कहा कि वह सीबीआई की जांच से संतुष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विवादित फिल्म नानक शाह फकीर की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्म सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित है। मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में सभी पांचों आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने भगवा आतंक शब्द गढ़कर हिंदू धर्म को बदनाम किया है। भाजपा की मांग है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक सड़क का उद्घाटन करने से प्रशासन ने रोक दिया। वहीं भाजपा ने कहा कि इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हुआ है, इसलिए उद्घाटन स्मृति ईरानी करेंगी। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम को एक स्थानीय अदालत ने 2 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। चीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के साथ उसके संबंधों में बड़ी संभावनाएं हैं। चीन और भारत बीते साल 73 दिनों के सैन्य गतिरोध की वजह से संबंधों में आई खटास को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।